नमस्कार, मैं अनुज कुमार सिंह। अभी आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा न्यूज। हम बात करेंगे स्वास्थ्य केंद्र पे। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार साल 2021-22 में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था पर रुपया खर्च किया गया। हम ग्रामीण स्तर पे बात करेंगे तो स्वास्थ्य उपकेंद्र जस को तस रहा है। अभी हम पहुँचे हैं बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के राटन स्वास्थ्य पे, जहाँ पे ना दवाई मिलती है, ना एनएम आती है और ना डॉक्टर आती है। लगभग कई दिनों से बंद है और यहाँ के लोगों को प्राइवेट में अपना इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के पास उतना, अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर खुला रहता है तो वहाँ इलाज कराएंगे। ऐसे तो वहाँ किसान टाइप के लोग सब हैं, वो किसी तरह अपना आर्थिक गुजर बसर करके प्राइवेट में इलाज करते हैं। आपके जो बगरस में उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खुला रहता है? कभी नहीं खुला रहता है, खाली नाम का नाम। वहाँ तो बिल्डिंग विल्डिंग सब बना हुआ, क्या वहाँ बेड रेस्ट की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। आपके जो बगरस में उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ, क्यों वो चालू रहता है? ना, डॉक्टर बैठते हैं? बहुत दिन पर डॉक्टर बैठे हैं ना। अब तो जब बीमार हो चो तो इलाज करवे बखरी। आपके जो बगरस में उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं? नहीं, कभी नहीं। खुला रहता है? नहीं। तो आप लोग कहाँ इलाज करवाते हैं अपने? बखरी जाते हैं इलाज करवाने। यहाँ से कितना किलोमीटर दूरी पर? 6 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र है प्राथमिक। आप लोग जब बीमार पड़ते हैं तो आप लोग कहाँ अपना इलाज करवाते हैं? बकरी जाते हैं। बगरस में जो उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, क्या वहाँ पे डॉक्टर या दवाई ठीक टाइम पे एनएम आती है? नहीं आते। तो आप लोग कहाँ इलाज करवाते हैं आप अपने? बकरी जाके। यहाँ से थोड़ा घर से बकरी क्या किलोमीटर? 5 किलो। थोड़ा घर में जब कोई बाल बच्चा बीमार रहता है तो इलाज करवाइए? बकरी ब्लॉक। जब आपके घर के चाहे बच्चियां हो, चाहे आपके पोता पति हो, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोग कहाँ इलाज करवाते हैं? बकरी जाते हैं। यहाँ से लगभग बकरी कितना किलोमीटर दूर? 6 किलोमीटर। जब आपके घर में आपके बाल बच्चे को जब बीमार पड़ जाते हैं, अगर नज़दीक में ही अगर उप स्वास्थ्य केंद्र रहता है तो आप लोग बंद है तो आप लोग कहाँ इलाज फिर करवाते हैं? प्राइवेट में जाना पड़ता है, बकरी या बेगूसराय। क्या आपके पास उतना रुपया है कि आप अपने बाल बच्चे को प्राइवेट में आप सब दिन तक आप इलाज करवा सकते हैं? नहीं, कर्ज लेकर हम इलाज करवाते हैं, अपना पैसा कहाँ से आएगा। चाहे आपके घर में बच्चिया हो, चाहे आपकी बहू हो, तो जब डिलीवरी पेशेंट हो जाती है तो लोग अपना डिलीवरी प्रसव कहाँ करवाती है? बकरी जा। अगर बगरस में रहता तो क्या वो दूर उतना जा पाते? नहीं। कभी शायद ये हुआ कि आपके घर के चाहे आपके टोला को कभी किसी औरत पर डिलीवरी के लिए, जैसे गर्भवती महिला जो अपना प्रसव कराने के लिए जाती है, तो कहाँ वो लोग जाती है? ब्लॉक जाते हैं बकरी। ये तो बगरस में भी ये सारी सुविधा है तो? नहीं, कोई सुविधा नहीं, खाली नाम का। कभी आप लोग वहाँ दवाई लेने गए? नहीं। क्या यहाँ पे बेड की व्यवस्था और दवाई की व्यवस्था है? नहीं है। कभी आप ऐसा हुआ कि आप कभी चाहे सर्दी जुखाम हो, आप अगर दवाई लेना चाहते हो तो आप लोग दवाई कहाँ से लेते हैं? बकरी ये बेगूसराय से लेते हैं। क्या सरकारी में लेते हैं या प्राइवेट क्लिनिक में? प्राइवेट में। प्राइवेट में जब आप लेते हैं तो क्या आपके पास उतना रुपया है कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं? नहीं, कर्ज लेकर। आप लोग का जो आप लोग शायद किसान हैं तो आप लोग खेती पे गुजर बसर करते हैं? हाँ, खेती करते हैं तो उसमें कहाँ से आएंगे आमदनी। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से ही सब सुविधा दो बगरस चौक पर। वहाँ पे बगरस में क्या बेड उड की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप लोग औरत को जब डिलीवरी पेशेंट, वो लोग कहाँ अपना इलाज करवाते हैं? वो तो जब प्राइवेट करवाना पड़ता है, सरकारी में उतना लाभ नहीं देता है तो प्राइवेट करवाना पड़ता है। डिलीवरी होने के लिए भी जाता है तो कुछ घूस भास लेता है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं, प्राइवेट में करवाते हैं। जब सब खर्चा लगता है सरकारी में, प्राइवेट जगती तो हम सरकारी में प्राइवेट में करवाते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? क्या मांग है? मेरा बगरस चौक पर हमका सब चीज़ का सुविधा चाहिए। सर नमस्ते, मैं डेमोक्रेटिक चरखा बेगूसराय से बात कर रहा हूँ। सर ये बखरी प्रखंड में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है राटन पंचायत में, वहाँ पे सर कोई डॉक्टर नहीं आता, ना ही मरीजों का वहाँ पे ठीक से इलाज होता है। वहाँ पे कोई रहता नहीं है, अक्सर वो बंद रहता है। देखते हैं वो काम पड़ा और भी हमको दिमाग में आया हुआ है। जी जी, देखते हैं जी सर। क्या चिकित्सकों में आता डॉक्टर का कम है, एएनएम वगैरह का होगा, वैक्सीनेशन वाला में जो हुआ ना तो सब एएनएम सारा बंद हो गया और सब वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है, तो उसमें देखते हैं हम प्रभारी बात करते हैं ना।
खुलवाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे स्वास्थ्य पे हम लोग ने स्टोरी किए थे, लेकिन यहाँ पे ना डॉक्टर आते ना NM आते हैं। अगर आपके भी इलाका में इस तरह का अगर व्यवस्था अगर सही ढंग से नहीं है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें। अगर हमारी स्टोरी आपको अगर ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं अनुज कुमार सिंह।